नाउ वी विल सी हाउ वी कैन डेवेलप आई सी टी केपेबिलिटी इन दी सेक्टर भाई जब हम ये समझ रहे हैं कि आई सी टी का इस्तेमाल हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए बहुत गाइडेंस की जरूरत है और बहुत से तरीकों की जरूरत है तो फिर हमें ट्रेन भी करना है अपने इन सर्विस टीचर्स को भी और प्री सर्विस टीचर्स को भी सो प्रोफेशनल डिवेलपमेंट फॉर एजुकेटर्स प्रोवाइड ऑन गोइंग प्रोफेशनल डिवेलमेंट अपॉर्चुनिटीज दिस केन इंक्लूड वर्कशॉप ट्रेनिंग सेशन तो अपडेट रखने के लिए अपने प्री सर्विस टीचर्स को और इन सर्विस टीचर्स को जो ऑलरेडी ई सी के को मैनेज कर रहे हैं हमें उनको बताना होगा कि कौन से ऐसे रिसोर्स हैं इनोवेटिव रिसोर्स हैं जिनके थ्रू वो बच्चों को बेहतर तौर पे ट्रेन कर सकते हैं और कौन से ऐसे यूजफुल आस्पेक्ट हैं जिनकी ट्रेनिंग के साथ वो बच्चों के अंदर स्किल्स पैदा कर सकते हैं बेहतर नॉलेज उनको लेके दे सकते हैं और उनको पहले से बेहतर इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सो एक्सेस टू अप्रोप्रिएट आई सी टूल्स ऐसे सिलसिले में जो हमारा प्री सर्विस टीचर है या इन सर्विस टीचर है उसको खुद एक्सेस होगी आई सी टूल्स पर तो वो अपने बच्चे को सिखाएगा ना इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि हमारे इन सर्विस और प्री सर्विस टीचर्स के लिए आई सी टी की ट्रेनिंग्स रखी जाए वर्कशॉप्स रखी जाए और उनके स्कूलों में जहाँ पर वो काम कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ ये सारे जो रिसोर्सेज uh, हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाएँ then इंटीग्रेशन ऑफ आई in the इन द young हेल्प यंग develop टू literacy डिजिटल लिटरेसी स्किल्स एक अगली जो बहुत अहम बात है वो ये है कि कोई उस्ताद अकेले में कुछ नहीं कर सकता अगर ये सारी महारतें आई की और नई नई चीज़ें बच्चों के करिकलम में शामिल होंगी तो बेहतर तौर पर प्रैक्टिस हो सकती हैं अदरवाइज़ तो जाहिर है हम समझते हैं कि स्कूल की एक्टिविटीज़ कितनी रेस्ट्रिक्टेड होती हैं जो बच्चों के सिलेबस में हो करिकलम में वही पढ़ाया जाता है उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाता तो अगर करिकुलम में आईसी का अप्रोप्रिएट यूज नहीं है तो वी नीड टू इनकॉपोरेट इट देन डिजिटल सिटीजनशिप एजुकेशन देखिए डिजिटली हमें आ, बच्चों को एथिक्स भी तो आईसीटी के बताने हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है कौन सी चीज उनके देखने के काबिल है कौन सी नहीं कहाँ वो अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं कैसे उनको हेल्प आउट कर सकते हैं आपने देखा होगा हमारे इर्द गिर्द आ, बहुत सा एक हजूम है आ, सोशल मीडिया का जहाँ पे लोग तरह तरह के इस तरह की चीज़ें पोस्ट कर देते हैं जो हमारे कल्चर से और हमारी वैल्यू से मैच नहीं करती उसकी वजह यह है कि हमारे अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों को इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी तब अब ये हालात हैं वरना अगर उनको वहाँ राइट और रॉन्ग के बारे में भी बताया जाए देखिए हा आई टूल्स हैं Uh, ये कोई अपने अंदर वैल्यू नहीं रखते वैल्यू हमें देखनी है कि कौन सी इसमें से ऑप्ट करनी है कहाँ पे हम इसको सही तरीके से यूज कर सकते हैं और कैसे इसके गलत इस्तेमाल से हम बच सकते हैं सो एजुकेटर्स शुड प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल यूज ऑफ आई टूल्स तो उन्हें शुरू से बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी है पार्टनरशिप विथ पेरेंट्स एंड फैमिलीज कैन एनहांस चिल्ड्रंस लर्निंग एक्सपीरियंस अब अब बड़ा रोल तो इसाजा का है कि वो पेरेंट्स को भी लूप में लें क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं उनको और बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो हर नए नॉलेज से आगाह हों ये फिर टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो पेरेंट्स को लूप में लें उनसे मीटिंग करें उनको समझाएं कि बच्चे घर पे कितना देख सकते हैं क्या देख सकते हैं और कौन सी प्रेस्क्राइब्ड ऐसी प्लेसेस हैं साइट्स हैं जहां उनको बच्चों को दिखानी चाहिए रेगुलर असैसमेंट एंड एवेलुएशन तो जो कुछ हो रहा है ख्वा वो बच्चे कर रहे हैं या इस कर रहे हैं उन सब की एक असैसमेंट या मॉनिटरिंग होना भी ज़रूरी है ताकि सारी चीज़ें खबर में रहें और कुछ भी ऐसा ना हो जो बच्चे अनजाने में या अनदेखे करें इट हेल्प्स आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट तो अगर हम देख लें मौके पर देख लें कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था नई चीज़ें क्या आ गई हैं नए सॉफ्टवेयर कौन से है उनको मौके पे ऑप्ट किया जाना चाहिए उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए और उनके इरेगुलर या डिसएडवांटेज यूज से बचना कैसे है ये भी अगर हमें फ़ौरी तौर पे पता नहीं चलेगा तो बच्चों का भी नुकसान हो सकता है और का या समझे वालदे का भी सो एजुकेटर्स कैन यूज फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेस तो ऐसी सूरत में अगर बच्चे टेक्नोलॉजी के जरिए भी पढ़ रहे हैं तो इसको बगैर असेसमेंट के मत जाने दें हमें उनको सिखाना है क्या सही है क्या दुरुस्त है और कितना सीख लिया क्या सीख लिया क्या सिर्फ वक्त तो नहीं ज़ाया हो रहा तो इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट जो साथ साथ की जाती है कि बेटा यहाँ गलत हो तो, इसको यहाँ ठीक कर लेंगे इस जगह से आप यूं बेहतर कर सकते हैं ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट और फिर फाइनल जब बच्चा अपना टास्क मुकम्मल कर ले या एक सेट ऑफ टास्क मुकम्मल कर ले तो फिर हम एक समेटिव असेसमेंट या मजमू जायजा लेते हैं कि मुकम्मल तौर पर हमारे बच्चे ने क्या सीखा तो जिस तरह बाकी मजामी में हम ये सारी असेसमेंट लेते हैं इसी तरह आईसीटी के यूज में भी हमें ये असेसमेंट करनी चाहिए और ऐसी सूरत में पेरेंट्स को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी लूप में रखना चाहिए